अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नाजरीन ड्रामा सीरियल मां नहीं सासों में ड्रामे का न्यू इंटरेस्टिंग प्रोमो शेयर कर दिया गया, प्लस एपिसोड में आप लोग मजीद क्या कुछ देख सकते हो। आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाले, प्रेडिक्ट करने वाले, पेश करने वाले, और इसके साथ साथ अभी तक आप लोगों ने जो है वो खाली ड्रामा क्यों नहीं नशर किया गया वो वाली वीडियो नहीं देखी, और भी वीडियो जो है वो वाली नहीं देखी उस ड्रामे के रिलेटेड, तो लाजमी से देखते जाएगा। चल जल्द से वीडियो को स्टार्ट कर लेते। तो मां नहीं सासों में ड्रामे के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने वाले हो कि नाजरीन नसीमा यहाँ पर काफी ज्यादा रो रही होती है, और यहाँ पर शुएब को डांट रही होती है और उसे कह रही होती है कि पर इतना कुछ यहां पर कर दिया उस यहां पर सलमान ने, यहां पर मेरी बच्ची को जो घर से बाहर ही निकाल दिया, बच्ची को छीन लिया, और यहां पर आप अभी भी जो है कुछ भी नहीं करने दे रहे हैं, यहां पर ये बहुत ही ज्यादा हद हो गई है। जिसके बाद नजरें यहां पर मास्टर शुएब कहता है कि यहां पर बच्चियों को जो है वो इस तरह से जो है वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटना और इसके साथ साथ यहां पर कोर्ट कचहरी के जो है वो चक्कर काटना बहुत ही ज्यादा अजियत वाला काम है, तो यहां पर ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। इस तरह से उसे जो अच्छी तरह से समझाएगा जिससे शायद नसीमा समझ भी जाएगी। और इसके साथ साथ आप लोग आने वाले एपिसोड में ये भी देखने वाले हो कि नाजरीन सलमान यहाँ पर अपने दोस्त के पास बैठा होता है, जिसके बाद उसका दोस्त इसे समझाने की कोशिश करता है कि तू जो है वो लज्जत लेना चाहता है, इस तरह की बात हो रही होगी। जिसके बाद सलमान कहेगा यहाँ पर मैं लज्जत नहीं लेना चाह रहा, यहाँ पर मैं इंतकाम लेना चाह रहा हूँ, यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इस अरूज को दबाना चाहता हूँ, उसे अजियत में रखना चाहता हूँ। जिसके बाद नाजरीन आगे से इसका दोस्त कहता है कि यहाँ पर अरूज भाभी का दोस्त मेरे कोई भी यहाँ पर जो है वो अमल दखल नहीं है, उनकी कोई भी इतनी गलती नहीं है। लेकिन नजरें यहाँ पर सलमान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि सारी की सारी अरूज की ही गलती है, वो मेरी जिंदगी में आई तो इसकी वजह से यहाँ पर मेरी जिंदगी जो है वो खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो यहाँ पर इसी वजह से वो काफी ज्यादा भड़क रहा होता है और इसका दोस्त इसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करेगा। जिसके बाद नजरें आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नजरें यहाँ पर सलमान जैसे ही रात को घर आएगा लेट, तो नजरें यहाँ पर आगे से शिस्ता बहुत ही ज्यादा माँ बन के जो है वो कहेगा कि यहाँ पर बेटा तुम क्यों नहीं जल्दी आए, यहाँ पर इतना लेट किस वजह से हो गया। जिसके बाद सलमान भड़क उठेगा और कहेगा कि जो आपको क्यों बताऊं, ये इस तरह का कुछ भी हो सकता है। जिसके बाद यहाँ पर ये कहेगी कि मैं तो इस वजह से पूछ रही थी कि यहाँ पर तुम जो है वो इस तरह से इतना लेट नहीं आते। जिसके बाद यहाँ पर सलमान कहता है कि यहाँ पर मैं कोई स्कूल जो है वो दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि स्कूल जाने वाला का जो यहाँ पर जो है पाबंदी से यहाँ पर घर में आऊँ और जाऊँ, और यहाँ पर जो है वो मुझे सब लोग बाहर जो है वो सलमान कहते हैं, आपके बेटे के नाम से कोई भी नहीं जानता मुझे, और जिसकी वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इस शायस्ता को डांट के वहाँ से जो वह चला जाएगा, जिसकी वजह से शायस्ता भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएगी कि यहाँ पर सलमान जो है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो घुमा घुमा सा रहता है। जिसके बाद अदरीस को कि मुझे तो अदरीस यहाँ पर लगता है कि यहाँ पर ये अरूज और यहाँ पर जो उसके माँ यहाँ पर महरीन है, यहाँ पर इन लोगों ने इस पे जो है वो जादू करवा दिया है, जिसकी वजह से नाजरीन यहाँ पर अदरीस की भी खोपड़ी घूम रही होती है। यहाँ पर ये किस तरह की औरत है, कभी इधर देखता कभी उधर देखता है, फिर उसके बाद वो बताता है कि यहाँ पर शायस्ता ऐसी कोई भी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचो। जिसके बाद यहाँ पर आगे से शायस्ता जो है वो गुस्से में आ जाती है क्योंकि इसकी बात को उसने काटा, तो वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसी ही बात है, आप लोग आप जो है देख लीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर ये इसके साथ शहजाद रिस इतनी ज्यादा जो है वो नहीं यहाँ पर अपने सिंगर रहेगा, चुपचाप जो है हाँ में हाँ मिला के शायद चला जाए, इस तरह से भी हम लोगों को दिखाया जा सकता है। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखने वाले हो कि नजरें अरूज यहाँ पर काफी ज्यादा बेचारी टेंशन में बैठी होगी। जिसके बाद नजरें यहाँ पर इसके पास आ जाएगा जो है मास्टर शुएब, और जिसके बाद यहाँ पर इसे पूछेगा कि यहाँ पर इतना ज्यादा परेशान क्यों बैठी हुई हो, और यहाँ पर जो है ये भी पूछेगा कि यहाँ पर सलमान ने जितना कुछ तुम्हारे साथ किया है तो तुम आप भी उसके साथ रहना चाहती हो। इसके बाद ये कहेगी हाँ यहाँ पर मैं रहना चाहती हूँ, आखिरी चांस उसे देना चाहती हूँ, यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो मैं उसे अपने प्यार से जो है वो बदल दूँ, और यहाँ पर मैं जो है वो इसे अपने जो है प्यार को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाऊँगी, आखिरी हद तक कोशिश करूँगी, और यहाँ पर और मैं अपनी बेटी के लिए यह सारी की सारी कोशिशें जो है वो कर रही हूँ। जिसके वजह से नजरें यहाँ पर मास्टर शुएब जो है इसकी इसकी जो है वो कदर करता है इसके जज्बात की, जिसकी वजह से यहाँ पर इस पे जो है सर पे हाथ शफकत भरा रखेगा, और जिसके बाद जो है वहां से ये चला जाएगा। और इसके साथ साथ आप लोग ये भी देखोगे कि यहाँ पर अब अरूज जो है वो तो परेशान रहेगी और वो सोच रही होगी कि यहाँ पर अब क्या करना चाहिए, और यहाँ पर महरीन भी अब कोई ना कोई हल निकालेगी। लेकिन आप लोग इससे इसके बाद ये भी देखने वाले हो कि नजरें यहाँ पर अब बच्ची को रोज घर छोड़कर चला जाता है शायस्ता के पास अकेले, यहाँ पर नजरें सलमान, जिसकी वजह से वो बच्ची हर वक्त रोती रहती है, यहाँ पर इसने कभी बच्चे तो पाले नहीं, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है, कभी सर पकड़ लेती है, कभी यहाँ पर अपने जो है कान बंद कर लेती है, इतनी ज्यादा उसे बच्ची की शोर आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जल्दी से जो है वो फोन में ला दे गया।
यहाँ पर हमारे सलमान को, और सलमान को कहेगी कि बेटा सलमान यहाँ पर तुमने किस मुसीबत में मुझे डाल दिया है, यहाँ पर तुम तो अरूस यहाँ पर बदला लेना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर तुम ये बच्ची तुमने यहाँ पर जो है वो छोड़ दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर मैं अजियत में आ चुकी हूँ इस बच्ची की वजह से यहाँ पर। जिसके बाद यहाँ पर सलमान काफ़ी ज़्यादा इसे कहेगा कि यहाँ पर मैं जो है वो आपके और डैड के कहने पर ही जो चल रहा हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पर ये भी इसकी भी चुप लग जाएगी, और जिसकी वजह से नाजरेन यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है अब वैसे ये थोड़ी बहुत जो केयर करती भी होगी यहाँ पर इस जो है अरीज की, बाद में यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं करेगी, यहाँ पर चुपचाप जो है वो अपने में ही लगी रहेगी। और नाजरीन जिसके बाद आप लोग आने वाले एपिसोड के प्रोडिक्शन भी आप सुन लें, क्योंकि प्रोमो यहाँ पर खत्म हो गया, तो अब आप लोग यही देखने वाले हो कि नाजरीन यहाँ पर अब सलमान जो है वो डे बाय डे काफी ज्यादा रूड होता जाएगा। और नाजरीन यहाँ पर दूसरी जानब जो है वो हमारी नाजरीन अरुज जो है वो काफी ज्यादा जो है वो निकालती रहेगी यहाँ पर, कि मैं किस तरह से यहाँ पर इसके जो दोबारा से घर में जाऊं और यहाँ पर जो अपनी बच्ची को वापस ले और यहाँ पर सलमान को भी अपनी तरफ कर लूं, यहाँ पर उसे मैं छोड़ बिल्कुल भी नहीं सकती। और अमात और शानजे के भी जो शायद सीन जो है अब आने वाले एपिसोड में दिखाएं, क्योंकि वो कभी कभी आते हैं बस जाते हैं पता ही नहीं उनका चलता, तो वो भी आ सकते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब महरीन बेचारी जो है वो भी काफी ज्यादा वैसे तो जो है वो मजबूर है, लेकिन नाजरीन यहाँ पर वो भी आहिस्ता आहिस्ता कभी कभी दिमाग जो है वो यूज कर लेती है, और यहाँ पर बेचारी भी सही को इन लोगों ने एक दिन भी घर नहीं रखा, जल्दी से जा बस चली जाओ यहाँ से, तुम अपने गांव ही चली जाओ। और वो बेचारी भी तकरीबन एक एपिसोड से गई थी और दूसरे एपिसोड में बाकी सब लोग सो गए आ गए, और ये बेचारी अभी तक बैग लेके जो है वो घूम फिर रही थी, इस तरह से हम लोगों को दिखाया गया है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बताइएगा इन्होंने वसाई के साथ ठीक किया या नहीं, इसे रखना चाहिए था या नहीं, इस तरह का आप लोग जरूर से बताते जाइएगा। और इसके साथ साथ यहाँ पर अब अदरीस जो है वो शायद आने वाले एपिसोड में एक्सपोज हो सकता है, या फिर नाजरीन यहाँ पर यह हो सकता है कि अदरीस और नाजरीन शायस्ता जो आपस में बात कर रहे हों यहाँ पर, काफी ज्यादा जो है अगली पिछली सारी की सारी बातें जिस तरह से इन लोगों ने पहले की थी और रूज ने सुन ली थी और उस पे सारे के सारे जो है वो यहाँ पर खुल गए थे राज, उसी तरह से यहाँ पर शायद हो सकता है कि सलमान पे भी ये सारे के सारे जो है वो राज खुल जाएं, जिसकी वजह से यहाँ पर वो जो यहाँ पर बिल्कुल भी अरूज को मुंह नहीं लगा रहा था, तो नजरें यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता वो इसको जो है वो मुंह लगाना शुरू कर देगा यहाँ पर जो है ये। और यहाँ पर जो है अरूज और ये दोनों जो है वो मिलकर यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ जो है वो करेंगे, और नाजरीन इसने जिसे हमेशा से अम्मी माना था नाजरीन दोबारा से उसी ही अम्मी मानना शुरू कर देगा, और शायस्ता को यहाँ पर दोबारा से तय जाने समझना शुरू कर देगा, क्योंकि यहाँ पर राज खुल जाएंगे कि यहाँ पर हमने अरूज के साथ ये किया और अब ये वो ये कर रही है। और इसके साथ साथ यहाँ पर अदरीस वाला मामला भी जो है वो काफ़ी दिनों से जो मैं बता रहा हूँ बार बार नहीं बताऊँगा, तो यहाँ पर वो वाला मामला जो है वो खुलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर शायद है वो जेल में भी जा सकता है, इस तरह की यहाँ पर हमें जो काफी चीजें दिखाई जा सकती हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो जो है थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, ये थोड़ी सी हमारी प्रोडिक्शन भी, अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। ओके माय फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।